प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का पुनः एक बार मैं एस कुमार स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे, इससे पहले जो है हम लोग यही बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय आय को मेजरमेंट करने वाले तत्व, और इसमें अब हमें अगली बात जिस पर बात करनी है वह है जीएनपी। ठीक, जीएनपी, आइए समझते हैं कि जीएनपी क्या है। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो देख लें, उसमें जीडीपी पढ़ा चुका हूं। अब जीडीपी दोबारा से नहीं बताऊंगा, जाके वहां पर देखो, क्यू मल्टीप्लाई पी यू पी से जाके पढ़ो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, आइए इस बात को देखते हैं। आइए देखिए, पहले इस बात को समझो। देखो, जीडीपी कहता है कि हमारे घरेलू क्षेत्र के अंदर जितना भी हमने माल व सेवा दिया है अंतिम एक वर्ष के दौरान, उसका सारा बाजार मूल्य जीडीपी। फार्मूला निकालने का, क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई रेट प्राइस। लेकिन जब तुम बात करते हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, ग्रॉस मतलब सर्वत्र सब कुछ, सकल सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, वही शब्द है सकल, सकल पदार्थ यही जगमाही। सकल मतलब सब कुछ है, राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसको कहा जाएगा। तो उसमें जीडीपी को लेना है, और जीडीपी के अलावा और क्या लेना है इस बात को समझो। पहले इसका परिभाषा देख लो, देश के नागरिकों के द्वारा देश में या विदेश में, नागरिक कहां का होना चाहिए, नागरिकता कहां की होनी चाहिए, समझो, नागरिकता होनी चाहिए भारत की, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, भारतीय कहलाने वाले हो, भारतीय मूल के विदेशी, भारत के ही है ना। देश के नागरिकों द्वारा देश या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसे मान लो भारतीय दूतावास अगर अमेरिका में है, तो जो उस भारतीय दूतावास का वहां का जो इनकम है वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई आएगा। तो यहां पर बात हो रही है, इससे पहले जीडीपी क्या कहता था, जीडीपी कहता था कि अपनी भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर देख लो कहां से हो, हां जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, ये पूरा इधर सेवन सिस्टर, राजस्थान, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान बाहर निकल जाएगा, अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर। हां अगर मिल गया आने वाले समय में, अगर मान लो पाकिस्तान अगर भारत का ही पार्ट हो गया, तो अपनी भौगोलिक सीमा तो फिर उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। लेकिन अभी अगर मान लो पाकिस्तान में से कोई हमारे पास इनकम है, तो उसको हम जीडीपी में नहीं जीएनपी में काउंट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यह कहता है भारतीय मूल का बंदा देश में कमाए या विदेश में कमाए, वह सब किस में काउंट होगा, जीएनपी में काउंट होगा। तो देश के नागरिकों द्वारा देश या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम, एक वर्ष में किए गए अंतिम कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। और इसका फार्मूला, फार्मूला देखो, आओ दिखाता हूं बोर्ड पे, देखो कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, दिखाई दे रहा है, हाँ क्या दिखाई दे रहा है, जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या क्या इसमें है, इसमें देखो जी एन पी में क्या है, जी डी पी है, और यह x माइनस एम का मैं लोचा तुमको समझा देता हूं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद तो तुम जानते ही हो, इससे पहले वाला टर्म हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन x और m की अगर हम बात करें तो इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो एक शब्द होता है आयात, आयात का मतलब मंगवाना, एक शब्द होता है निर्यात, निर्यात का मतलब होता है भेजना, भेजना हम कहते हैं इंपोर्टेड गाड़ी है, इंपोर्टेड आयातित गाड़ी है। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई चीज तुम इंपोर्ट करोगे तो पैसा कहाँ जाएगा, अरे भैया पैसा विदेश चला गया, इंपोर्टेड गाड़ी में चलते हैं, बहुत बढ़िया नहीं करते हो, देश की जीडीपी के लिए तुम बड़े बेकार हो, समझे मेरी बात को, ध्यान समझना। क्यों मोदी चिल्ला रहे हैं, क्यों मोदी चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो,
चाइनीज चीजों का बहिष्कार करो। क्यों? नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश कौन है? हम हैं भाई, हम। अब ये सोचो, देश हमारा, सामान कोई और बेच रहा है, सामान कहीं और से बन के आके बिक रहा है, खरीद रहे हम, उपभोग कर रहे हैं खाली, हम जीडीपी नहीं बढ़ा रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। और कंपनियां बड़ी चालाक, इस बात को ध्यान रखना। नाम कंपनी का है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन कंपनी हिंदुस्तान की नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। नाम पे मत चले जाना, बर्बाद हो जाओगे। पढ़ो कौन सी कंपनी भारतीय है, कौन सी कंपनी विदेशी है। बात समझ में आई? हाँ। तो यहां पर पहले मैं तुमको बता रहा हूं, आया तो निर्यात का समझो, गाड़ी तुम्हारी इंपोर्टेड, बड़े मजे ले रहे हो, घूम रहे हो, लेकिन तुमने भारत की व्यवस्था में योगदान नहीं दिया। जब तुम कोई चीज मंगाओगे, तुम्हारा पैसा कहां चलाया गया उधर? और कल कोई चीज तुम भेजोगे, निर्यात करोगे, मेरी बात को समझो। दो टर्म है, एक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का एक्स ले लो यहां पर, और इंपोर्ट का यम ले लो। जब तुम कोई चीज भेजोगे, और हमने कोई भी बढ़िया चीज बना करके, कोई भी प्रोडक्शन हमने बना करके, हमने क्या किया, अगर भेजा तो उसका पैसा किसको, किसके पास आएगा? देश के पास आएगा, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा, समझो इस बात को। तो वही कहा गया है कि भाई जो भी तुम भेजोगे वह तो तुम्हारे पास आ रहा है, और जो तुम मंगवाओगे वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए एक्स माइनस एम का टर्म लिया है, बुक में पढ़ोगे जल्दी समझ में नहीं आएगा, एक्स माइनस एम को पहले समझ लो। तो यहां पर यही कहा गया है कि जो हमने क्या किया, जो हमने निर्यात किया, मतलब उसका जो पैसा आ गया तो हमारा है, लेकिन जो हम आयात कर रहे हैं उसके लिए हमें देना भी तो है, तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। तो इस तरह से हम जीएनपी को परिभाषित करते हैं मैथमेटिकल टर्म में, मेरी बात समझो। तो जीएनपी में क्या हो गया, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, मेरी बात समझ में आई बात? तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो, सपोज करो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो सपोज छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक लाख करोड़ मान लो जीडीपी है, और भारतीय मूल के विदेश में कमाने वाले लोग 30 लाख करोड़ हैं, तो 130 से पहुंच गए, लेकिन विदेशी मूल के लोग भारत में जो कमा रहे हैं, मान लो वो 10 लाख करोड़ कमा रहे हैं, तो 10 लाख तो यहां से गया ना। तो अब जीएनपी 130 नहीं रहा, जीएनपी कितना हो जाएगा, बोलो जीएनपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ में आया बात? 120 लाख करोड़ का हमारा जीएनपी बन गया भाई। 100 लाख करोड़ मान लो हमारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर हमने कमा रहे थे, और उसमें उन्होंने बताया कि उसमें क्या हुआ, अब विदेशी वाला का देखना है, भारतीय मूल के विदेशी और विदेशी मूल के भारतीय, इनका अलग से कैलकुलेट करना था। हमने देखा जो भारतीय मूल के विदेश में कमा रहे हैं वो मान लो 30 लाख करोड़ कमा रहे हैं, अब विदेशी मूल के भारत में 10 लाख करोड़ लेके जा रहे हैं यहां से, तो 30 तो आया और 10 गया, तो टोटल जीएनपी कितना हो जाएगा? यस, सही बता रहे हो, जीएनपी हमारा जाएगा 120 लाख करोड़। तो इस तरह से जीएनपी का हम लोग कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें यह भी देखा जाता है केवल भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं, बल्कि भारतीय मूल के जो विदेश में जो पैसा है, जो आ रहा है, उसको भी इसमें कंसिडर करना होता है, वही इसकी परिभाषा में दिया गया था। तो ये टर्म हमने आपको बताया क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी में क्या बोलोगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इंग्लिश में क्या बोलोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फार्मूला क्या है? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एम। अगर यहीं पर एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये जीडीपी को नुकसान पहुंचाएगी, ध्यान रखना। यहां तक तुमने समझ लिया? थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बताऊंगा तुमको बहुत अच्छी प्रकार से, तुमको बड़ा मजा आएगा ये सब जान के, अच्छा लग भी रहा होगा। तुम लोगों के मैसेज कमेंट लगातार आते हैं, कमेंट जरूर करो, जो तुम्हें अच्छा लगा वही कमेंट कर देना। हाँ, निगेटिव कमेंट मत करना, नहीं तो डांट भी पड़ेगी। जो जो तुम्हें अच्छा लगे वही कमेंट करना, जो कुछ पूछना है वो तुम पूछ लेना कमेंट में, वहीं पे जवाब भी दे देंगे। देखो, निवल राष्ट्रीय आय, निवल को बोलते हैं नेट, निवल क्या बोलते हैं? नेट, नेट तो पता होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। इस टर्म को ध्यान रखना, क्या टर्म है मैं लिख देता हूं, एनएनपी। अब इसमें दो एन क्या होगा? अरे
नेशनल और राष्ट्र, राष्ट्र एक ही होगा तो एक एन क्या है नेट, और एक एन किसके लिए नेशनल के लिए। एनएनपी की बात करेंगे। आओ देखो, देखो एनएनपी को समझने के लिए तुमको जीएनपी पता होना चाहिए, और जीएनपी के अलावा एक टर्म पता होना चाहिए, डिप्रिसिएशन का टर्म पता होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रिसिएशन, और वैसे बोलते हैं इसको हास, नुकसान। अभी समझेंगे क्या होता है, पहले परिभाषा देख लिया जाए। देखो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, अभी पढ़े हो सकल राष्ट्रीय उत्पाद तुरंत इसके पहले, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे किसी अर्थव्यवस्था में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मूल्य ह्रास क्या है ये बात हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने एक कोई कार ले ली, हम क्यों ले, तुम लो, ह्रास तुम्हारा हो, डिप्रिसिएशन तुम्हारा हो, अरे हमारा है तुम्हारा मतलब नहीं है, हमारा देश की ओली है, नुकसान देश का है। और तुमने उसकी देख रेख बहुत की नहीं, कार तो ले लिया, खूब चलाए सड़क पे, कच्ची पक्की सड़कों पे खूब घूमे, किसके साथ घूमे ये नहीं मतलब है, तुमने उस कार को खराब किया। एक साल में ही कार का जो मूल्य है होना चाहिए 10% कम, 20% कम, समझो इस बात को, अब तुमने उसका मूल्य 70% कम कर दिया, समझ रहे हो, यानी 100 रुपए में लेके आए थे तो अब कार 30 रुपए की है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, बात यहां पर डिप्रिसिएशन की हो रही है। जब भी कोई चीज नई होती है, न्यू होती है, ऐसे समझो, मोटी मोटी बात समझो, जब भी कोई चीज नई है तो उसकी कीमत है, और जब वो चीज पुरानी होती है समझे, तो उसके मूल्य में कमी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, वस्तु के मूल्य में कमी होगी कि नहीं होगी, समझो इस चीज को, निश्चित रूप से कमी ही होती है जितनी भी फिजिकल वस्तुएं हैं। अब जैसे गोल्ड वगैरह को छोड़ देना, गोल्ड में अभी तो गोल्ड जा रहा है 50-55-60 जा रहा है, कुछ समय पहले 30 पर था, है 30,010 ग्राम का, तो यहां पर समझो। लेकिन हम तुमको क्या एग्जाम्पल दिए, हम गोल्ड का एग्जाम्पल नहीं दिए, हम तुमको कार खरीद के लाओ, मकान बनवा दो, समझो इस बात को, मकान की कीमत, देखो मजे की बात, मकान बनवा दो, मकान की कीमत हर साल गिरेगी, कम हो जाएगी, इस साल तुम्हारे मकान की कीमत 50 लाख, अगले साल कीमत 45 लाख, देखो क्या मजेदार बात है, फ्लैट बनवा दो हर साल, समान है ना यार, अब वो डिप्रिसिएट होता चला जाता है। अब उस ईंट में एक साल मजबूती कम हो गई, मान लो अगर उसे 100 साल चलना है तो 99 साल ही चलेगी, 10 साल बाद 90 साल ही चलेगी, 50 साल बाद जर्जर अवस्था में आने लगेगी, समझो इस चीज को, घटना चाहिए। और जमीन, जमीन कीमत बढ़ती है, तो दोनों चीजें हैं यहां पर। लेकिन अब हम तुमको बता रहे हैं किस चीज के बारे में, जैसे मान लो हम कोई कल कारखाना संयंत्र स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात को समझो, विकास चाहिए कि नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा संसाधनों में, और जब हम संसाधनों में पैसा उपयोग करेंगे तो संसाधन के मूल्य, अब नई चीज हमेशा तो नहीं रह जाएगी ना, इस बात को समझो। अब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे टीचर हमेशा इसी तरह से नए बने रह जाए, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित हो जाती है। और जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना कि जाती हुई सांसें मृत्यु को और आती हुई सांसें जीवन को ही प्रदर्शित करती हैं, इस बात को ध्यान रख करके तैयारी में लग जाओ, पढ़ो, तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, चीजें बदलती हैं, हर दिन बदलता है, तो डिप्रिसिएशन होगा, समझो इस बात को, वही बात बता रहे थे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी आपने देखा था, में से मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, जल्दी बताओ, मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कम करने से जो चीज मिलेगा उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे, एनएनपी कहेंगे, क्या कहेंगे, एनएनपी टर्म है। अब इसको राष्ट्रीय आय से कनेक्ट मत करो, पागल हो जाओगे, कैलकुलेट नहीं करना है तुमको, टर्म समझना है, एनएनपी क्या होता है, समझ में बात, एनएनपी क्या है, ध्यान समझो, एनएनपी है, बस इस लाइन को याद रखना, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस करना, जीएनपी में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, जीडीपी में से नहीं, ग्रॉस देश विदेश सब इनकम जो आया सब प्लस जीडीपी, उसमें से जो डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तब बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध नेशनल का नेट का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना बाजार मूल्य पर होती है, इस बाजार मूल्य पर अप्रत्यक्ष कर भी क्या होते हैं, ध्यान रखना, जुड़े होते हैं, तथा सहायकी को घटाया जाता है, जो हमने बताया था आपको, ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा आगे बढ़ो, फिर अगला टर्म देखो,
अब आ गया एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट द रेट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, सघन लागत पर, सघन लागत पर शुद्ध मूल्य, एनएनपी, एनएनपी आप इस बात को ध्यान देना, एनएनपी क्या है, एनएनपी है, एनएनपी है, इस बात को समझो, इसको बोलते हैं, देखो अभी तुम पढ़ रहे थे नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहां पर भी हम बात कर रहे हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन किस पर हम बात कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट क्या है इसका, इसका साधन लागत क्या है, इसका साधन लागत क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, एफसी क्या है, तो एफसी पर एनएनपी क्या होता है, इसको समझाता हूं तुमको, समझो, आ रहा है समझ में, देखो भाई ना आए तो बता दो कि नहीं आया, फिर से बता देंगे। देखो उत्पादकों द्वारा चुकाए गए इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स तुमने पढ़ा है, टैक्स दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ठीक, मेरी बात को समझो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां पर बात हो रही है उत्पादकों द्वारा चुकाए गए अप्रत्यक्ष करों को घटा देने और सरकार द्वारा फर्मों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, सब्सिडी, सब्सिडी को जोड़ देने से साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम क्या है, शामिल है, इस बात को मैं तुमको बताता हूं। देखो एक चीज समझो, तुमने एनएनपी को समझ लिया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अनमार्केट प्राइस, जिसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन इसमें दो चीज का ध्यान रखना है। पहला, देखो जो तुमने अप्रत्यक्ष कर दिए, जो तुमने अप्रत्यक्ष कर किसको दिए, गवर्नमेंट को ही तो दोगे, और किसको दोगे कर यार, गवर्नमेंट चलती कैसे है, सरकार कैसे चलती है, हाँ सरकार चलती है किससे, एकदम सही बता रहे हो तुम, इस बात को पकड़ते रहो, बीच में तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तुम कहोगे कर किसको देंगे, अरे कर देना है, कर लेने के लिए बैठे हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट ही चलती है कर से, कर हटा लो गवर्नमेंट हराम, सरकार के पास पैसा कहाँ यार, हम देते हैं पैसा तब ना सरकार चलती है, कल से पैसा देना बंद कर दो सरकार गिर जाएगी, समझे, पूरे विश्व को गिरा सकते हैं हम, समझो इस बात को, ये आधार है हम, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो कैसे चलेगी, समझो इस बात को, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तुम होटल में जाओ खाना खाने, तुम टैक्स पे करते हो, ठीक है, तुम लग्जरियस लाइफ जीते हो, तुम टैक्स पे करते हो, तुम एसी लाते बड़ा खुश होते हो कि हम अपनी एसी लाए, तुम गवर्नमेंट को टैक्स दे के लाए हो, समझ में आई बात, तुम गाड़ी में उपभोग करते हो, तुमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, गवर्नमेंट किस लिए बैठी है, तुम लो तो कोई सामान, टैक्स हम लेंगे, टैक्स दो, जितना तुम आगे बढ़ोगे, गवर्नमेंट टैक्स से चलती है, किसी चलती है गवर्नमेंट, टैक्स से चलती है। तो यहां पर तुमको हम ये बता रहे थे कि भाई जो तुमने इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, जितने भी तुमने इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर दिए हैं, पढ़ेंगे इस पे डिटेल में, घबराना मत, और जो तुम्हें सब्सिडी जो है मिली है, इस बात को देखो, सब्सिडी बेसिकली क्या होती है, जैसे मान लो तुम्हें अच्छी क्वालिटी का जो है बीज चाहिए, पंतनगर वाला बीज चाहिए, हाइब्रिड बीज चाहिए, खेत में फसल उत्पादन करना है, कोई यांत्रिकी उत्पादन करना है, पशुपालन करना चाहते हो, गवर्नमेंट भी चाहती है कि करो, और गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी देती है, आज गवर्नमेंट लोन दे रही है, लोन ले लो व्यापार करो, सब्सिडी भी दे रही है, 3 साल तक तुमसे ब्याज नहीं लेंगे, सब्सिडी हुआ ना भैया एक तरह का, नहीं तो 3 साल का पैसा जाता कि नहीं, राजकोषीय घाटा तुम बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे, बताओ इस बात को समझो, सब्सिडी दी गवर्नमेंट, राजकोषीय घाटा अपना ही घाटा बढ़ा रही है, लेकिन फाइनली क्या है यार, पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में समझो इस बात को, पब्लिक ही सब कुछ है, वेलफेयर नीचे वाले को सोच के चलना है, समझ में आई बात, तो सब्सिडी देगी, लेकिन अब भाई प्रोडक्ट तैयार हो गया तो कर भी तो लेना है भाई, इस बात को समझो, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या, प्रत्यक्ष कर नहीं ले रही है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या ले ली तुमसे, कर ले लिया, इस बात को समझो। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि, और ये बहुत बड़ा टर्म है प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष, पूरा चर्चा होगी नहीं तो मामला टॉपिक से भाग जाएंगे हम लोग, अब इसको समझो। तो आप इसमें क्या क्या समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जो भी आपने देखा कि हमने क्या बताया कि फिर से इस बात समझो, अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाएगा और आर्थिक जो सहायता दी गई सब उसको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और इस तरह से जो हमारे पास
जो हमारे पास बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट। फिर से इस बात को समझो, देखो ये मार्केट प्राइस, ये सब्सिडी, सब्सिडी को क्या करना है, ऐड करना है, इस बात को समझना। क्योंकि मान लो मैं कहता हूं कि यह पेन है 7 रुपए की और 3 रुपए की इस पे सब्सिडी मिलकर के यह 7 की है, तो जब मैं इस पर जाऊंगा तो इसका मूल्य 10 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? क्योंकि बस तो 7 की है लेकिन 3 की तो सब्सिडी भी तो है, तब ने 7 की हुई, यानी यह मूल्य इसका कितना हो गया, तो वह 3 इसको दूंगा तभी तो इसके एग्जैक्ट मूल्य पे पहुंच पाऊंगा, वही बात है। तो इसलिए सब्सिडी यहां पर क्या हो रही है, प्लस हो रही है, और जो टैक्स दोगे वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यह बात समझो, इसको बोलते हैं एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में दो चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है, एनएनपी में से दो चीज माइनस करना है, एक चीज माइनस करना है, वो क्या है, वो माइनस करेंगे हम क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, और उसमें जोड़ेंगे क्या, सब्सिडी। क्या जोड़ेंगे, सब्सिडी। अब आओ अगला टर्म देखो भाई, मजा आ रहा है, समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, भूल तो नहीं जाओगे, लिखो, लिखते जाओ इसको, एक एक लाइन को लिखोगे तो नहीं भूलोगे, ये लिखने वाला टर्म है, बार बार लिखोगे 2-3 बार तो हो जाएगा। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, PI, छोटा स्तर में PI, व्यक्तिगत इनकम। देखो व्यक्तिगत समझ रहे हो, निजी, व्यक्तिगत। आओ देखते हैं क्या है, एक वर्ष के भीतर देश में सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल आय के योग को व्यक्तिगत आय कहलाती है। देखो व्यक्तिगत शब्द बड़ा मजेदार है, व्यक्तिगत का मतलब होता है निजी, समझो। अब जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा व्यक्तिगत आय कितना है, इस बात को देखो, व्यक्तिगत आय, लेकिन यह टर्म किसके हम संदर्भ में बात कर रहे हैं, देश के संदर्भ में यह बात की जा रही है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। पर्सनल इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PI, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है, इस बात को समझो, जैसे एक व्यक्ति अपने लाइफ में जितना पैसा कमाता है वो उसकी पर्सनल इनकम है, इस बात को ध्यान रखो। तो एक वर्ष के भीतर देश में सभी व्यक्तियों, क्योंकि देश की बात हो रही तो देश के जितने व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों द्वारा कुल आय का योग व्यक्तिगत आय कहलाता है। व्यक्तिगत आय को ऐसे समझो, राष्ट्रीय आय माइनस अवतरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा की गई नेबल ब्याज अदायगी माइनस निगम कर, सरकार एवं फर्मों से परिवारों की आय, ठीक है नहीं है, उन्हें व्यक्तिगत आय से कर अदायगी करनी पड़ती है, इस बात को समझो यार। देखो बेसिकली इस बात को समझना पड़ेगा, मोटी मोटा समझना। जब हम पर्सनल इनकम की बात करते हैं, छोटा सा टर्म है, जितने व्यक्ति देश के अंदर हैं उनने जो पैसा कमाया वह पैसा क्या हो जाएगा, वह पैसा व्यक्तिगत आय कहलाएगा। लेकिन इसमें एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगा, इसको ऐसे समझो, देखो एक टर्म है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को समझो, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय हर तरह की जितनी भी संपत्तियां हैं, समझो नेशनल इनकम को पढ़ा चुके हैं, जितने हमने सर्विस दी, जितने हमने उत्पादन किए, उन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय में से देखो क्या क्या चीज हम माइनस करेंगे, इस बात को समझो, क्योंकि सबसे बड़ा नेशनल इनकम कह रहा है कि उसमें से आप जो अवितरित लाभ है, लाभ पहले हटा दीजिए, परिवारों द्वारा की गई ब्याज अदायगी हटा दीजिए, निगम कर, सरकार, देखो भाई जैसे मान लीजिए आपने पैसा लिया है सरकार से तो आप उसको इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, लोन लोग लेके काम चलाते हैं कि नहीं, तो ब्याज भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, इस बात को समझो, तो सारा माइनस करना पड़ेगा। निगम कर, इस बात को समझो, ये जितने भी टैक्स हैं, इस बात को समझो, वो सारे टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद सरकार और फर्म परिवारों की आय नहीं है, इस बात को समझना जी, ठीक है। निगम कर, इस बात को ध्यान रखना, देखो फर्मों से परिवारों की आय नहीं है, उन्हें व्यक्तिगत आय से कर अदायगी करनी पड़ती है, इस बात को ध्यान रखना, पॉइंट क्लियर। यानी हमने एक चीज देखा कि नेशनल आय सबसे बड़ी चीज है, और नेशनल आय में से जितने भी तरह के कर हैं वह सारे कर क्या होंगे, माइनस होंगे, चाहे वह आप देखो निगम कर की बात करें, चाहे ब्याज अदायगी की बात करें, चाहे अवतरित लाभ की बात करेंगे,
ये सारे जो कर हैं ये नेशनल इनकम में से अगर माइनस हो जाएंगे तो इनको हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत आय, कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। लेकिन वैसे ये समझो कि पूरे भारत में जितने व्यक्ति लोग, जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों ने जितना पैसा एक साल के अंदर कमाया, उन सारे पैसों को हम लोग क्या बोलते हैं, उस परिवार की आय बोलते हैं, व्यक्तिगत आय बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ो, अब ये देखो प्रयोज्य व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम के बाद, अब इस बात को देखना। डीपीआई के बारे में बात करो, डिस्पोजेबल पर्सनल आय क्या होती है। देखो टर्म बहुत है इसमें, अगर नेशनल इनकम समझना है तो इन टर्मों को समझना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखो ये क्या है, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय क्या है, इसको समझना। एक व्यक्ति, यहां पर देखो ध्यान समझो किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति द्वारा अपनी पूरी व्यक्तिगत आय खर्च नहीं की जाती, आय का कुछ भाग प्रत्यक्ष कर के रूप में भुगतान करने के बाद शेष बचे भाग को प्रयोज्य व्यक्तिगत आय कहा जाता है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने में करता है। सीधी सी बात, हमारे पास सपोज करो मैं एक साल में मान लो 50 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो 50 लाख में से मान लो मैंने गवर्नमेंट को 15 लाख रुपए का टैक्स दे दिया, अब वो जो 35 लाख मेरे पास बचा है ना भाई, वह मेरी क्या है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डीपीआई है। समझ में आई बात, टैक्स दे चुका हूं, मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। व्यक्तिगत आय में ध्यान रखना, व्यक्तिगत आय में टैक्स वैक्स का भी कोई चक्कर नहीं है, लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं प्रयोज्य, इस बात को ध्यान रखो, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय यानी हम बोलते हैं डिस्पोजेबल, तो यहां पर क्या है, इस बात को ध्यान रख दो, जो आदमी की व्यक्तिगत आय है उस व्यक्तिगत आय में से जो उसने कर अदायगी की है या गैर कर अदायगी की है वह सारा पैसा माइनस होता है, किसमें से, व्यक्तिगत आय में से। मेरी बात समझ में आई, तो यहां से हम इस बात को समझ सकते हैं। अगला टर्म देखो, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना। जीवीए, जीवीए को समझ लो, ठीक है, जीवीए, आओ समझाता हूं, बड़े अच्छे समझना, बड़े मजे समझना। जीवीए बताओ क्या है, सब हम ही बताएंगे क्या, कुछ तुम लोग भी बताओ, बताओ क्या होता है जीवीए, एक एक करके बताओ सब लोग। देखो जीवीए क्या होता है, इस बात को समझो, किसी देश का जीवीए उस देश की घरेलू, घरेलू का मतलब समझ रहे हो, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के समग्र मूल्यों के योग में से इनपुट कास्ट और रॉ मटेरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए का सामान और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है या होता है। पहली बात तो ये समझो, जब हम कोई चीज फाइनल उत्पादन करते हैं तो हम उसकी लागत तो देखेंगे कि हमारी लागत कितनी है। मेरी बात समझ रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसकी लागत हमें देखनी पड़ेगी, उस लागत का मूल्य हमें माइनस करना पड़ेगा, वही बात कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या इसको बोलते हैं जीवीए। किसी देश का जीवीए उस देश की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा घरेलू सीमा, घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के समग्र मूल्यों का योग, ठीक है, अब घरेलू सीमा समझ रहे हो, अब घरेलू सीमा पूरा ये समझो कि जैसे मान लो कि तुमको हम बता रहे थे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तुम देख रहे हो, वहां से भी जो उत्पादन है, बल्कि हमारी जैसे समुद्री पर सीमा का अर्थ होता है कि जहां आपकी सीमा उसके बाद 12 नॉटिकल मील तक, वहां पे जो हम जिस तरह का उत्पादन करते हैं, तो अगर मान लो अंडमान निकोबार भी मारा तो उससे भी 12 नॉटिकल मील तक, तो ये इस परिसीमा के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होता है भाई सब ये घरेलू डोमेस्टिक ही माना जाएगा। किसी देश की जीवे उस
देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, एक वित्तीय वर्ष तुमको बता चुके हैं फाइनेंशियल ईयर, कब से? अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के समग्र मूल्यों का योग में से इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल, इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए का सामान सर्विसेज का उत्पादन हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं जीवीए। अब इस बात को समझो, जीवीए को ऐसे समझो, जीवीए में क्या होता है, जीवीए में जीडीपी लेते हैं, क्या लेते हैं, जीडीपी। इस बात को जीडीपी में से हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स, और प्लस क्या करेंगे, सब्सिडी। इस बात को ध्यान रखो, जीबीए में जीडीपी में से टैक्स माइनस करते हैं और सब्सिडी को हम जोड़ते हैं। देखो, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है, इससे यह भी पता किया जा सकता है कि कौन सा खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादक हुआ। देखो फाइनली यही है ना, बिजनेस क्या कहता है, अर्थव्यवस्था क्या कहता है, अर्थव्यवस्था ये कह रहा है खूब पैसा लगाओ भाई, लगाओ खूब, लेकिन प्रॉफिट कितना लेके आए, लाभ कितना हुआ, समझो कमाए खूब। जैसे तुमको बता दें, मुखर्जी नगर क्षेत्र में अगर कोई सामान्य भी कोचिंग चलाता है तो 1,00,000 रुपया एक महीने का खर्च है उस टीचर का, यानी एक साल में कितना खर्च हुआ, 12 लाख। 10 साल में कितना खर्च हुआ, 1,20,00,000। अब किसी ने मान लो 15 साल कोचिंग चलाया तो 1,80,00,000 रुपया, 1,80,00,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया। अब तुम कहोगे ये सर कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, 2-3 जगह बता देते हैं। पहले तो उसको बहुत बढ़िया हॉल लेना पड़ेगा, और हॉल यहाँ पे तुम्हें पता ही है कितना महंगा चलता है, 50,000 से लेकर 70, 80, 90, 1,00,000, 2,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, समझ रहे हो, महंगे हैं, छोटे की बात बता रहा हूँ, मिनिमम वाले बता रहा हूँ। उसके बाद तुम कहोगे और क्या, अरे भाई रेंट आपने दे दिया, ऑफिस का स्टाफ को पेमेंट नहीं देंगे, मार्केटिंग को पेमेंट नहीं देंगे, एडवर्टाइजमेंट कराएंगे उसको पैसा नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा, बोलिए बिजली क्या हमारे बाप की है, बिजली का बिल कौन देगा, बिजली का बिल पे करना पड़ेगा भाई, सारा पैसा आपको देना पड़ेगा, और भी उल्टे सीधे खर्चे हैं, सब खर्च करो, समझ रहे हो। उसके बाद मान लो हम 10 साल का ही ले लें, 10 साल में मान लीजिए हमने बताया कि 1,20,00,000 तो मिनिमम लगाना ही लगाना है। अब 1,20,00,000 के ऊपर जब पैसा आएगा तब ना तुम लेके जाओगे, और 1,20,00,000 से नीचे है तो क्या करोगे, फिर वैसे बने रहो, समझ में आई बात। और इसी उम्मीद में क्या होता है, बाल सफेद से हरे हो जाते हैं कि कब 1,20,00,000 से अधिक पैसा आए और कब बचे, बचता ही नहीं, आएगा उतना ही, जितना खर्च उतना आमदनी, समझो। यहां पर तुमको जो एग्जांपल दिए सबसे बढ़िया एग्जांपल दिए, तो समझ जाओगे। तो कहने का मतलब ये कि जीबीए तब माना जाएगा जब आप 1,20,00,000 की जगह पे 2 करोड़ कमा लेते, 5 करोड़ कमा लेते, समझ में आई बात। जीबीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है, इससे यह भी पता किया जा सकता है कौन सा खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर कितना उत्पादन हुआ है। जीबीए निकालने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी में से टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बात खत्म। चलो नेक्स्ट, अब देखो भाई, देखो पहले सबसे पहले देखो कि पहला पॉइंट इसमें है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की बात की जा रही है, बाजार कीमत पर जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा बाजार सेवाओं तथा सेवाओं का बाजार, यानी जीडीपी में देखो क्या क्या लेना पड़ेगा। देखो इसमें कई टर्म है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक, ये टर्म है तुम याद कर लेना। एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, ठीक, उत्पादन और सेवाओं का क्या बाजार मूल्य, समझ में आई बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार कीमत पर क्या, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। देखो इसमें x माइनस m का कंसेप्ट तुमको पहले ही बता चुके हैं, x आपको बताए होंगे, देखो दो कंसेप्ट बताए थे आपको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वही चीज यहां पर x माइनस m है, तो आप इस चीज को आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखो यहीं पर,
इसमें दूसरा जो चीज है वो है कि सकल लागत सघन लागत पर या सघन लागत पर जीडीपी बाजार कीमतों पर जीडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाने से प्राप्त होता है। अब यहां पर देखो जीडीपी निकालने के लिए किस पर, सघन लागत पर। जीडीपी में से क्या करना है, माइनस करना है। देखो इस बात को, देखो इस बात को यहां से फिर से देखो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ठीक, जो नेट जो है इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट कर है, जो अप्रत्यक्ष कर है जिसको हम बोलते हैं एनआईटी, ठीक, जीडीपी में से हम क्या करेंगे उसको। देखो जीडीपी कैलकुलेट ही बाजार मूल्य पर करना है, लेकिन अगर सघन लागत पर करेगा करना पड़ेगा तो जीडीपी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, जो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। देखो बाजार कीमतों में उत्पाद करों उत्पादन उत्पादकों को भी शामिल किया जाता है। सघन लागत शब्द का उपयोग उत्पादकों में दी गई कीमतों के लिए किया जाता है, अतः सघन लागत बाजार कीमतों में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर प्राप्त होता है। सघन लागत जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा के एक वर्ष में फर्म में किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का माप है। इस बात को ध्यान रखना, समझे, मौद्रिक मूल्य को बताता है। तो यही मैं कहूं कि इसमें दो टर्म मिलेगा तुमको, जीडीपी कहां पर, मार्केट रेट पर, और जीडीपी कहां पर, सघन लागत पर। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है। तीसरा टर्म इसमें देखो, बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें नीति निर्धारकों को यह पता चलता है कि ब्लू जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना खर्च करना पड़ेगा। यदि मूल्यह्रास के कारण पूंजी स्टॉक की हानि को विस्थापित नहीं किया जाता है तो जीडीपी घटेगा। सीधी सी बात है भाई, इस बात को समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरह देखो सघन लागत पर एनडीपी, सघन लागत पर जीडीपी उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी लाभ लगान तथा ब्याज के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर क्या है, अर्जित एक तरह की आय है। इस बात को ध्यान रखना, एनडीपी नेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और किस चीज पर देखा जा रहा है, सघन लागत पर देखा जा रहा है। क्या है सघन लागत पर, जीडीपी उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी लाभ लगान ब्याज, ठीक, देश की घरेलू सीमा के भीतर जो अर्जित आय है, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। ऐसे देखो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहां पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है कि बुकों में जो है थोड़ा मिस्टेक होता है, तो इसको हम ठीक कर देते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको जीएनपी बोलते हैं। एक देश के सभी उत्पादन के साथ ठीक है, साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जीएनपी है तथा इसे बाजार कीमतों पर मापा जाता है, ठीक, जीएनपी है। जीएनपी में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है। इस बात को ध्यान रखो, चाहे वह नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर हो अथवा विदेशी हो, यह हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, ठीक है। इसी तरह देखो सघन लागत पर जीएनपी या बाजार पर था, अब सघन लागत पर जीएनपी एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधन द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है। इस बात को ध्यान रखो, फिर से देखो इस बात को, सघन लागत पर जीएनपी एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है। नेक्स्ट देखो, एक दो टर्म और इसको फटाफट देख लिया जाए, देखो हां, देखो बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक, पढ़ लिए हैं, दोबारा से इन चीजों को रिपीट कर रहे हैं, बस एक एक लाइन पढ़ दे रहा हूं। इस बात का मापदंड है कि एक देश में निश्चित समय अवधि में कितना उपयोग कर सकता है। एनएनपी देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का माप है, चाहे वो उत्पादन देश की घरेलू सीमा में किया गया हो या विदेशों में, ये आपको बता दिए थे। इसी तरह से हमने बताया कि सघन लागत पर राष्ट्रीय आय क्या है, सघन लागत पर एनएनपी, ठीक है, एनएनपी जिसको हम बोलते हैं नेशनल आय, नेशनल इनकम, सघन लागत पर एनपी एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी लाभ लगान ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित सघन आय का योग है।
यही राष्ट्रीय उत्पाद है क्योंकि राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक सीमित नहीं है, यह शुद्ध घरेलू सकल लागत एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन का योग है। इस बात को ध्यान रखो। देखो जो हमारा टोटल जो इनकम है जिसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, और अगर हम मान लो सघन लागत पर बोलते हैं तो हम इन चीजों को देखेंगे कि इस उत्पादन में क्या हुआ है, मजदूरी कितनी है, लाभ कितना है, लगान कितना है, ब्याज कितना है, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और देखो यह केवल यहीं पर नहीं है, जो हमारी नेशनल सीमा के अंदर है और जो बाहर है, ठीक है। जो हमारे पास बताया था कि जो पैसा हमारे पास भारत से आ रहा है और भारतीय मुल्क के अगर बाहर भी है तो वो भी जो पैसा आ रहा है वो सारा इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह देखो 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 सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर, यह सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, यहां पर दो हमने आपके पास सामने ग्राफ बनाया है, इसको देखिएगा। और आधारित मूल्य नहीं, इसको समझने के लिए पहले तुम्हें जीडीपी और जीवे में अंतर समझना पड़ेगा। पहले ये पॉइंट क्लियर करो तुम, ठीक। देखो आपको हमने जीडीपी भी पढ़ा दिया है और आपको हमने जीवीए भी बता दिया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी आपको पढ़ा दिया गया है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी पढ़ा दिया गया है। इन दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों के अंतर को अच्छे समझ लो। आओ देखो, देखो जीडीपी में डिमांड या उपभोक्ता साइड की आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। समझ में आया बात? जीडीपी में किसकी तरफ पता चलता है, डिमांड या उपभोक्ता साइड, उपभोक्ता की तरफ कंजम्पशन करने वाले का जीडीपी में पता चलता है, मांग का पता चलता है, जबकि जीवे में उत्पादक यानी सप्लाई साइड में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। देखो दो तरह की बातें हैं, एक तरफ एक पक्ष वह है जो उत्पादन करता है और एक पक्ष वह है जो उपभोग करता है। जीडीपी किसके बारे में बताती है, जीडीपी उपभोक्ता के बारे में बताती है, और जीवी किसके बारे में बताता है, आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बताता है। तो इसीलिए आप इसको समझो, जीवे क्या है, उत्पादक यानी सप्लाई साइड में होने वाली गतिविधियों को बताता है। दूसरा देखो, जीडीपी हर सेक्टर के उत्पादन को अलग से आंकड़े नहीं मिलते, इस बात को ध्यान रखना। जीडीपी में जीडीपी जो होती है, इस बात को ध्यान रखना, जीडीपी का प्रत्येक सेक्टर में उत्पादन से अलग आंकड़े नहीं मिलते, करेक्ट है, उत्पादन से अलग आंकड़े नहीं मिलते। लेकिन जीवे में ऐसा नहीं होता है, जीवे में हर सेक्टर में उत्पाद का अलग से आंकड़े मिलते हैं, जिससे कि नीति निर्माताओं को यह जानने में मदद मिलती है किस सेक्टर में कितना मदद की जरूरत है। इस बात को समझना पड़ेगा। देखो एक चीज समझो, जैसे मान लो कहीं पर जो है हमारे पास मान लो कि 1,00,000 आया और कहीं पर 1,20,000 आया, कहीं पर 1,50,000 आया, कहीं पर 70,000 आया। एक बीघे जमीन से हमने अलग अलग जगहों पर इस तरह से पैसा कमाया, तो यहां पर जो नीति निर्माता है वो समझ गए कि कहां पर ज्यादा आय है और कहां पर कम है, तो वो वहां पर रिसर्च करेंगे कि आखिर में जमीन तो इतना ही थी, क्या दिक्कत आई यहां पर। मेरी बात समझ में आ रही? तो जीवे से आर्थिक क्रियाकलाप से हम इस बात को पकड़ पाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? जीडीपी के द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग तब जरूरी हो जाता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था की तुलना दूसरे से की जाती है। इस बात को ध्यान रखना, जीडीपी के आधार पर ही कंट्रियों के बारे में हम लोग बात करते हैं, यह कंट्री का जीडीपी कितना है, दूसरे कितना है, इसे हम कंपेयर कर पाते हैं। समझ में? एक साथ कई कंट्रियों के जीडीपी को देख करके पता चल जाता है कि वहां का क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। तो जब एक देश की अर्थव्यवस्था की तुलना दूसरे देश की अर्थव्यवस्था की जाए, जबकि जीवे से प्राप्त आंकड़ों से देश की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती। समझ में आई बात? चलो थोड़ा और रुक जाओ। हाँ, अब देखो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि तथा अनुमान, ठीक। इससे पहले जो यहां पर हम तुमको दो तीन पॉइंट छोड़े थे, इसको देखो। अच्छा, उत्पादन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि क्या होती है, आधारित कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि माइनस निवल उत्पाद होता है। आधारित कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि क्या होता है, जीवे माइनस निवल उत्पाद कर होता है, ठीक है। सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत के बराबर होती है। तो ये सब तो आप जानते ही हैं, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो बताए, बताने वाली बात यहां शुरू होती है। और यहां से आप देखिए, बेसिकली ये जो है फैक्ट है,
और इसमें से बहुत सारे फैक्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी लगातार फैक्ट वाली क्लास में फटाफट वाली क्लास में हमने कराया है। और हम ये ध्यान रखते हैं कि जहां पर फैक्ट है उसको तुरंत बता दिया जाए और जो समझाने वाली बात है उसको आराम से बताया जाए, ताकि आप धीरे धीरे समझें और याद करने वाली चीजों पर आप पॉइंट करें और उसको याद करें और समझने वाली चीज को आराम समझें। देखो ये बात हमने आपको बताई थी कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान और उसकी पूरी लिस्ट भी बनवाई होगी, आप एक बार देख लेना। 1968 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलो बताओ दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक बहुत प्रचर्चित हुई थी, बोलो सही बता रहे हो, कौन सा? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अरे नहीं यार, कौन सा? हाँ सही बता रहे हो, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था धन का निष्कासन, बहुत फेमस हुई थी यह बुक धन का निष्कासन। तो 1868 में उन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय, बताओ प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी उन्होंने, 20 रुपए। 1901 में बताया था लॉर्ड कर्जन 30 रुपया। ये बात कब की हो रही है, लॉर्ड कर्जन की बात नहीं हो रही है, 1901 की बात नहीं हो रही है, 1868 की बात हो रही है। और किसने बताया, दादा भाई नौरे जी ने, कितना बताया राष्ट्रीय आय 20 रुपया बताया है। इस बात को देखो, राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे प्रोफेसर बी के आर बी राव थे। इस बात को समझना, सबसे पहले जो है ये वैज्ञानिक विधि प्रयोग करके बताया। स्वतंत्र भारत में 1949 में महाल नोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और जिसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित अपने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, किंतु इसी बीच इस कार्य को ठीक करने के लिए एक अस्थायी संगठन स्थापित किया गया जिसका नाम CSO केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। CSO की जो है, CSO बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, CSO को आप याद रखना, CSO राष्ट्रीय आय को मेजरमेंट करने वाली एक संस्था है CSO, जिसको हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यह देखो 1949 में जो मीटिंग हुई है उसके बाद हमने CSO की यह जो है गठन किया गया था और ये अब करती है। 1951 में गणना CSO के द्वारा संख्य क्रियान्वयन में मंत्रालय के अंतर्गत करता है। वर्तमान समय में ये संस्था राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है। चलिए ये तो आपको सब पता ही चल गया। और देखिए भाई, चूंकि यह महाल नोबिस का जन्म 29 जून को आता है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा, तो इस दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्पादन इकाइयां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। इस कार्य के लिए उत्पादन को 4 कारकों में नियोजित किया जाता है, श्रम है, पूंजी है, भूमि है, उद्यम है। श्रम है, भूमि है, पूंजी है और उद्यम है। इन उत्पादों द्वारा कुल मिलाकर सेवाओं का उत्पादन करती हैं। यह मूल्य वृद्धि अर्थात निवल घरेलू उत्पाद चारों साधनों के बीच में प्रतिमानों के रूप में बढ़ जाता है, लगान, ब्याज और लाभ में, इस तरह से बढ़ जाता है। चलिए ये सारा पॉइंट आप जानते हैं, थोड़ा आराम से बढ़ते हैं आगे। उत्पादन विधि जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान सुनिएगा। उत्पादन विधि, देखो इस विधि से उत्पादन स्तर पर, इस विधि से उत्पादन स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की यह एक विधि है। उत्पादन हमें देखना पड़ेगा किस किस सेक्टर में किस तरह का उत्पादन हो, अलग अलग तरह के सेक्टर हैं, आओ देखते हैं। उत्पादन स्तर पर देश की राष्ट्रीय से आय घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और विदेशी से प्राप्त निवल साधन सघन आय का योग होती है। इस विधि को निम्नलिखित चरणों में हम समझ सकते हैं, और समझना इसको कि उत्पादन के आधार पर कैसे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला, अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक उपक्रमों की गतिविधियों के अनुरूप 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र इंटरसीरी सेक्टर। देखो प्रथम प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में जानते हो क्या है, जैसे खेती बाड़ी जो है ना। द्वितीयक क्षेत्र में जानते हो क्या है, जैसे मतलब हमने पेड़ उगा लिया लेकिन अब उससे हम लोग जैसे कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, मेज बना दिया, इस तरह से। और तृतीयक जो होता है भाई, उसमें वाणिज्य व्यापार बैंकिंग सेवा क्षेत्र ये सब आता है। तो जो प्राइमरी क्षेत्र है पहले इसको देखो, इस क्षेत्र में उत्पादक इकाइयां आती हैं जो मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन प्रसंस्करण के कार्य करती हैं। इसमें क्या क्या है, इस बात को देखो,
जैसे हम बता रहे थे कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि का क्षेत्र समझो, कृषि है, वन की है, मत्स्य पालन है, खनन है, आदि उत्पादक गतिविधियां में शामिल होते हैं। तो इन सेक्टरों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेंगे यहां से कितना आया। दूसरा सेक्टर हमारे पास क्या है, जो द्वितीय सेक्टर इसको समझो, इसमें आयातों का निर्गम परिवर्तित करती है। इस क्षेत्र में उन उत्पादक इकाइयों को शामिल किया जाता है जो आगतों के को निर्गम परिवर्तित करती हैं, उदाहरण के लकड़ी की कुर्सी के रूप में परिवर्तन। इस बात को समझो, यहां पर हमने क्या काम किया, देखो कृषि हुआ तो वह कैसा है, कृषि जो है वह है प्राथमिक, ठीक। वन क्या है, प्राथमिक। लकड़ी का उत्पादन प्राथमिक, लेकिन लकड़ी से कुर्सी बनाकर बेचना तो किसे माना जाएगा, द्वितीयक में। समझ में आया, प्राथमिक का हमने यूज कर लिया। और देखो तृतीयक क्या है, इस क्षेत्र की उत्पादक इकाइयों में सभी प्रकार की सेवाएं का उत्पादन होता है, सारी सर्विस है, जिसे हम लोग पढ़ा रहे हैं ये सर्विस है बच्चों, सेवाएं, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, परिवहन। इस बात को समझो, व्यापार करना, वाणिज्य का काम करना, परिवहन का काम करना, ये सारा जो है ये सारा किसमें आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से हम इसको उत्पादन विधि के आधार पर हम इसके तीन पार्ट करते हैं, इन तीनों पार्टों का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं और सबको क्या करते होंगे, जोड़ देते होंगे। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम का यहां पर क्या करते हैं, गणना करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक उत्पादक इकाई में सकल उत्पादन के मूल्य की गणना उत्पादन की इकाइयों की कीमत से गुणा करके किया जाता है। इसमें सकल उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती उपयोग मूल्य ह्रास निवल अप्रत्यक्ष करों राशियों को घटाकर या उत्पादक इकाई द्वारा दी गई सघन लागत निवल मूल्य में अनुमान प्राप्त होता है। सघन लागत पर निवल मूल्य इक्वल टू उत्पादन का सकल मूल्य मध्यवर्ती उपयोग इक्वल टू मूल्य ह्रास सॉरी माइनस मूल्य ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इस बात को समझो यार, बेसिकली एक तरह से इस बात को समझो। देखो जो भी चीजें हम लोग उत्पादन करते हैं उसमें जितने तरह का मूल्य ह्रास होगा, जितने तरह का कर दिया जाएगा, उस सबको क्या कर देना है, सबको सब्ट्रैक्ट करके ही तो देखना जाएगा। तीसरा इसमें देखो कि सघन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद पे विदेशों से निवल सघन आय को जोड़कर हम सघन लागत या निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। यदि विदेशों में प्राप्त निवल सघन आय ऋणात्मक होगा तो सघन लागत उत्पादक साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक होगी, और यदि धनात्मक है तो राष्ट्रीय उत्पादन घरेलू उत्पादन से अधिक होगा। अरे एक सिंपल सी बात समझो भाई, देखो अगर हमारा इस तरह समझो, जैसे मान लो हमने आप बताया था कि अगर भारतीय मूल के लोग विदेशों से पैसा सपोज करो 30 कमाते हैं और वहां वाले यहां पे कितना कमाते हैं, 10 कमाते हैं, तो हमारा प्लस में जाएगा क्योंकि 30 हमने कमाया, 10 वो भी लेके गए यहां से, तो कोई बात नहीं 20 आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो यहां से 30 ले जा रहे हो और हम कमा कितना रहे हो, 10, तो माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि 20 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही बात यहां पर कही जा रही है। तो ये सारा पॉइंट तुमको हमने बता दिया भाई। अब देखो इसके आगे की बात, अगला पॉइंट हमें पढ़ना है आय का सिद्धांत, और इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यय का सिद्धांत। तो देखते हैं कि आय का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनकम है क्या, आओ देखते हैं। देखो वितरण के स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है, ये तो तुम्हें पता ही है। इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी उत्पादक साधनों पर अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब इसमें पहली बात समझो, उत्पादक इकाइयों की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत करें, और वर्गीकरण करने के बाद उनके मूल्य के समान जो होता है उसके हिसाब से उसका आप अध्ययन करें। दूसरा, प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित उत्पादन इकाइयों द्वारा व्यय की गई सघन आय में भुगतान का आकलन करें। क्या क्या आकलन करना है, देखो कर्मचारियों को कितना वेतन दिया, लगान कितना दिया, ब्याज कितना दिया, लाभ कितना आया, स्वनियोजित की मिश्रित आय कितनी है, उपयुक्त सभी भुगतान किए गए सघन आय में औद्योगिक क्षेत्र द्वारा की जाती है। अब इस बात को समझना पड़ेगा तुमको, देखो इस बात जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे सपोज कर इसको समझने के लिए समझो, कोई कंपनी है वो कोई चीज प्रोडक्ट तैयार करती है, उसका एक प्राइस रख देती है, वो प्राइस के हिसाब से जितने प्रोडक्ट उसने देख लिया कि मैंने इतने टन किए, इतना इसका रेट है, तो हमारा इतना जो है उत्पादन उसका तैयार हो गया। लेकिन वह पैसा अब उसको देना भी तो पड़ेगा, किसको किसको देगा, वही देख लो जो कर्मचारी हैं, जो उसका अगर कोई लगान है, कोई ब्याज है, किसी से पैसा आप लिए, वो सारी चीज क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात, सघन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में विदेशी से प्राप्त निवल विदेशों से प्राप्त निवल एक मिनट रुको हाँ
निवल मूल्य की वृद्धि के समान होती है, इस बात को ध्यान रखना। सघन लागत पर निवल उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल सघन आय को जोड़कर सघन लागत पर निवल उत्पादन ज्ञात करते हैं। हाँ वही बात हो गई। तीसरी बात भाई, अगर मान लो कुछ पैसा जो हम आप बता रहे थे कि अगर फॉरेन वाला है तो उसको भी मिटा देंगे कि भाई बाहर से इतना आया है और यहाँ से ये गया, उसका प्लस माइनस कर लेंगे। ये तीन पॉइंट हो गया। अब इस तरह से देखो, अब इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है। देखो, आय वितरण द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, कर्मचारियों के परिश्रमिक का आकलन करते समय सभी नगद वस्तुओं के रूप में दिए जाने वाले हित लाभों को शामिल किया जाना चाहिए। हमने देखो, जब हम नेशनल इनकम की गणना करेंगे तो अगर हम किसी भी कर्मचारी को जो भी सुविधाएं दे रहे हैं, जो भी पैसा दे रहे हैं, उसको हमें अच्छे प्रकार से उसकी गणना करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ब्याज के आकलन के लिए केवल उत्पादन हेतु ऋणों पर ब्याज को जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पर्सनल पैसे भी खर्चा कर लिए उसको भी जोड़ें, जो आपने उत्पादन के लिए जो पैसा लिया उस पर जो ब्याज लगेगा उसको आपको केवल कंसिडर करना पड़ेगा। उपभोग ऋणों पर ब्याज का हस्तांतरण आय होने के कारण राष्ट्रीय आय का अंग नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। उपहार, दान, धर्मार्थ, कर, जुर्माने, लॉटरी, इमा आदि सघन आय नहीं है। इस यह हस्तांतरण आय है, इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। किसी को आपने दान कर दिया तो दान वाला पैसा जो है वह इसमें कंसिडर नहीं है। किसी को उपहार दे दिया, गिफ्ट दे दिया, समझ रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं, धर्म कार्य में कोई दे दिया, जुर्माना कोई दे दिया, लॉटरी में लगा दिया पैसा, इस सब चीजों पर जो है, इस सब चीजों को इसमें कैलकुलेट नहीं करना। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय चालू वर्ष की उत्पादित नहीं होती, इसलिए राष्ट्रीय आय में नहीं। हाँ, इस बात को ध्यान रखना चाहिएगा। जो पहले वर्ष का कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए हमने उसको क्या क्या बेच दिया, खराब हो गई, कम कीमत हमने बेचा, और वो जो आया वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, उस पिछले वर्ष का है, इस वर्ष का नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कुछ इस पे सावधानियां भी रखी जाती हैं जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बताया कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसी तरह आय का सिद्धांत आपको बता दिया। अब व्यय का सिद्धांत देखो, व्यय के सिद्धांत में देखो जो एक्सपेंडिचर मॉडल है इसमें क्या है, व्यय विधि की मदद से हम राष्ट्रीय आय कि उसमें उपयोग या प्रयोजन की स्थिति में भी गणना कर सकते हैं। यहां पर हम उत्पाद पर बाजार में अंतिम व्यय की गणना करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अंतिम व्यय का मतलब उसमें जितने भी तरह के खर्चे हैं उन सारे खर्चों को हम यहां पर काउंट करते हैं। अब देखो, अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय ही अंतिम व्यय होता है, इस बात को ध्यान रखना। अंतिम वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोग और निवेश दोनों के लिए की जाती है। अंतिम उपभोग और निवेश की मांग अर्थव्यवस्था के चार घटकों, परिवारों, फर्म और सरकार तथा शेष विश्व द्वारा की जाती है। इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित कदम सम्मिलित है। देखो, एक तो हमने इनकम के आधार पर किया, अब हम व्यय के आधार पर करेंगे। इनकम का सिद्धांत हमने देखा और अब स्पेंड का सिद्धांत देखेंगे। तो देखो, इसमें क्या होता है, जो पहली चीज इसमें क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के सभी घटक समूहों द्वारा अंतिम उत्पादों पर व्यय का पृथक पृथक अनुमान लगाए, जैसे निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना हुआ है, सार्वजनिक औसत उपभोग कितना हुआ है, सकल निवेश कितना है और सकल निर्यात कितना है, इन सारे पॉइंट पर हम लोग अनुमान लगाएंगे। फिर उपयुक्त चारों व्ययों का योगफल हम बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद को आंकड़े प्रदान करता है, ठीक है, सबको एक साथ हम जोड़ लेंगे। चलो भाई, इसके बाद क्या करना है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादों के अचल पूंजी उपभोग, जिसको हम मूल्यह्रास बोलते हैं, जिसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, और जो अप्रत्यक्ष कर है को घटाकर सघन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद के आंकड़े प्राप्त करते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि जीडीपी अगर हमें निकालना है तो हमें जीडीपी प्लस आईपी जो है मूल्यह्रास और माइनस क्या है अप्रत्यक्ष कर, ये हमें लेके चलना पड़ेगा। तीसरा क्या है, सघन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त निवल सघन आय को जोड़े, यह योग सघन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, जिसे राष्ट्रीय आय कहा जाएगा, ठीक है, इस बात को समझो। एनएनपी निकालने के लिए एनडीपी प्लस विदेशों से निवल सघन आय होता है। अच्छा, मोटी मोटा समझो अभी इसको, ऐसे जितने भी तरह के व्यय होंगे उन सारे व्ययों को हमें क्या करना है, उन सारे व्ययों को हमें लेना है खर्च के आधार पर। देखो एक चीज समझो, आय की गणना दो तरह से की जाती है, एक तो क्या आया उसके आधार पर, एक ये होगा कि आपने क्या खर्चा किया, खर्च कितना है, उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इनकम का पता कर सकते हैं। तो वही बात आपको यहाँ पर बताया गया, जिसमें पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि भाई आप बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में अचल पूंजी उपयोग, यानी इन सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा कि जब आप व्यय की बात करें तो आपको ये भी देखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन वगैरह कितना हुआ है, मूल्य की कीमत कितनी घटी, उन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। साथ के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो सघन लागत पर जो निवल घरेलू उत्पाद में जो विदेशों से प्राप्त निवल साधन है उसको भी तो हम जोड़ेंगे, कि जो हमारा बाहर से है उसको भी हम जोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें इस तरह से हम जो है यहाँ पर करते हैं। अब इसमें देखो सावधानियां क्या है, पहली बात, दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती उत्पादों के व्यय को नहीं जोड़ना चाहिए। पहली बात समझो कि ऐसा ना हो कि दो बार जोड़ दें, इसलिए जो मध्यवर्ती
वर्ती जो उत्पाद हैं उनको हमें दो बार नहीं जोड़ना चाहिए। उपहार, दान कर, छात्रवृत्ति आदि पर व्यय को राष्ट्रीय आय में नहीं, ये वहां पर भी था, यहां पर भी था, आपको बता चुके हैं। और पुरानी चीजों को खरीदारी पर व्यय भी जो है वह क्या है, वर्तमान आय का हिस्सा नहीं होता है, ये पहले बता चुके हैं। ब्रांड एवं कंपनियों का शेयर आदि को खरीद पर व्यय राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि यह केवल वित्तीय आदान प्रदान होती है। इस बात को ध्यान रखना, वित्तीय आदान प्रदान क्यों होगी, क्योंकि जो ब्रांड आप खरीदते हैं या जो आप यहां पर देखेंगे कि जो शेयर आदि खरीदते हैं, तो शेयर क्या होता है, खरीद और फरोख्त की गणना चलती रहती है, आज आपके पास है कल किसी और के पास में, तो वह जो है राष्ट्रीय आय को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है आय का सिद्धांत पढ़ा, हमने व्यय का सिद्धांत पढ़ा, हमने नेशनल इनकम को समझा है। एक बार आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, फिर हम लोग इस पे आगे पुनः परिचर्चा करेंगे और इस पे अन्य भी प्रश्न लेकर आया जाएगा, कैसे कैसे इस पे एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है, अन्य चीज़ों पर हम लगातार बात करेंगे। तो लगातार आप लोग पढ़ते रहें, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को किसी तरह की दिक्कत होगी वो कमेंट के माध्यम से भी लगातार पूछें, और अब लाइव क्लास के माध्यम से भी हम आपके साथ में लगातार प्रस्तुत हैं, ऑनलाइन क्लास का रेगुलर आप लोग लाभ लें। तो बच्चों यहीं पर अपनी बातों को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद बच्चों।